नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर बेमेतरा के बिरनपुर में सांप्रदायिक हिंसा की जांच के लिए सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। टीम रायपुर से बिरनपुर के लिए रवाना भी हो गई है। बिरनपुर सांप्रदायिक हिंसा की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में लेते हुए 12 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कर ली। जिन 12 आरोपियों के नाम एफआईआर में हैं, उनके नाम भी आपको एक एक करके बता देते हैं। पहला नंबर नवाब खान, दूसरा नाम जलील खान, तीसरा नाम बसीर खान, चौथा नाम मुख्तार मोहम्मद, पांचवा नाम सफीक मोहम्मद, छठा नाम अब्दुल खान, सातवां नाम मोहम्मद जनाब, आठवां नाम अकबर खान, नौवां नाम अयूब खान, दसवां नाम निजामुद्दीन, ग्यारहवां नाम राशिद खान और बारहवां नाम कल्लू खान। आपको बता दें कि एक साल पहले अप्रैल के महीने में ही बिरनपुर में हिंसा हुई थी। 8 अप्रैल 2023 को भुवनेश्वर साहू की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बिरनपुर गांव में दो बच्चों के बीच मामूली कहासुनी के बाद यह हिंसा की शुरुआत हुई थी। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और इस मामले में अपडेट लेते हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? देखिए पुनीत, बिल्कुल बिरनपुर जो है सीबीआई की टीम पहुंच गई है। अब पूरे मामले में जांच की जाएगी, जो भी इसमें तकनीकी पहलू है सभी में जांच की जाएगी, क्योंकि सीबीआई अब जो है अपने स्तर पर जांच करेगी। बीजेपी ने इस मुद्दे को काफी प्रमुखता से उठाया था जब पिछले साल जब ये घटना हुई थी उसके बाद में, और उसके बाद में जब इस घटना के बाद में जो मृतक है भुवनेश्वर साहू, उसके पिता जब अब विधायक बन गए थे ईश्वर साहू, तो अब उन्होंने ये मांग करी थी कि इस पूरी घटना की जांच की मांग की थी। और इसके बाद में ये भारत सरकार से जो सीबीआई की जांच की पुष्टि हुई, उसके बाद में अब ये पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई के अधिकारी पूरे यहां पहुंच चुके हैं और अब पूरे मामले में जांच की जाएगी। इसके आरोपी हैं, पहले तो ये यदि उनसे पूछताछ करना पड़ेगा तो न्यायालय से अनुमति लेना पड़ेगा वो किस तरह की होगी, इसके कौन कौन आरोपी हैं, उनसे क्या ताल्लुक है, किस तरह से घटना हुई थी, किस तरह से यह हिंसक घटना हुई और कैसे आगे बढ़ती गई, तमाम पहलू हैं जिस पर चर्चा की जानी है। तो आज सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, पूरे मामले में जांच की जाएगी और आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि और किस किस तरह से किन किन से पूछताछ हो पाती है। लेकिन अभी प्राथमिक तौर पर यह है कि जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनसे जरूर पूछताछ करेगी टीम, और टीम पहुंच चुकी है और अपनी कार्रवाई भी आरंभ कर चुकी है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। तो टीम पहुंच चुकी है, जांच भी शुरू कर चुकी है। इधर बिरनपुर हिंसा जांच पर अब सियासत होने लगी है। पहला बयान आया डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम ने बिरनपुर मामले में सीबीआई जांच पर बयान दे डाला और कहा कि आरोपी नहीं बचेंगे, घटना क्यों हुई उसकी भी जांच होगी और दोषी बच नहीं पाए। बिरहनपुर मामले की सीबीआई जांच के लिए टीम बिरहनपुर पहुंच चुकी है। हमारे साथ है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी, बिरहनपुर मामले की सीबीआई जांच के लिए टीम पहुंच चुकी है। रिकमेंडेशन किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वीकृति भी उसमें मिल गई और एक जांच बिरहनपुर घटना की पूरी हो जाए। उसके साथ साथ एक और मसला उसमें जुड़ता है कि वो जो घटना हुई उसकी जाँच, वो घटना क्यों हुई, यह भी जाँच का बड़ा मसला है। इन दोनों ही विषयों के लिए जांच की जा रही है और विशेष रूप से सीबीआई की जांच, उसमें आपराधिक विषय क्या क्या है उस पर जांच हो रही है। जी, विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मांतरण का मुद्दा भी काफ़ी उठा था और उसमें कानून लाने की बात कही गई थी। विधानसभा के दौरान भी कई बयान आए थे, तो इस पर सरकार क्या आगे रुख ले सकती है? देखिए, धर्मांतरण से समाज में कितना विभेद हो रहा है ये सब जान रहे हैं, और धर्मांतरण एक ऐसा मसला है जिसमें व्यक्तिगत किसी की निजता स्वतंत्रता का हनन भी ना हो, वो चाहे तो धर्मांतरित हो जाए, परंतु धर्मांतरण छल प्रपंच से लालच देकर दबाव देकर यह भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों ही मसलों को लेकर के एक बार चिंतन तो करना ही चाहिए।
ये थे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि बिरहनपुर मामले की जांच होगी और न्याय मिलेगा, जो भी दोषी होगी उन पर कार्रवाई होगी। वहीं विधान लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि रुख बीजेपी की ओर है और जनता 400 पार का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है वो जरूर पूरा होगा। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाने लगे हैं और कह रहे हैं कि हमने बिरहनपुर मामले की सीबीआई जांच करवाई, जबकि कांग्रेस ने तो तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पूरे मामले में एक पक्षीय कार्रवाई की। अब सीबीआई की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, राजनीतिक तुष्टीकरण, और उसके बाद सरकार ने जिस प्रकार से उस मामले पर लिपापोती की, एक पक्षी कार्यवाही की, और इस बात की गंभीरता को समझिए कि एक दिग्गज नेता को साझा की जनता ने एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति ने पूरी तरह से धराशाही किया। जनता की अदालत में इस बात का फैसला हो गया कि भुवनेश्वर साहू के साथ ईश्वर साहू के साथ अन्याय हुआ, और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम सीबीआई जांच कराएंगे ताकि प्रदेश की जनता के सामने ये उजागर हो और ये दूध का दूध और पानी का पानी। तो सियासत इस पर हो रही है। कांग्रेस ने बिरहनपुर मामले की सीबीआई जांच को लेकर बीजेपी सरकार को घेर दिया है, निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ल ने और कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार है, क्या उन्हें अपनी पुलिस पर ही भरोसा नहीं है? बीजेपी सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए सीबीआई जांच करा रही है। अगर हिम्मत है, साहस है तो झीरम कांड की भी सीबीआई जांच की घोषणा कर देनी चाहिए। बिरहनपुर मामले की या छत्तीसगढ़ के पीएससी मामले की सीबीआई जांच एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, भाजपा को राज्य की पुलिस पे भरोसा नहीं है, या फिर विष्णुदेव सरकार को अपनी सरकार की शासन प्रणाली पे भरोसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बयान की। दुर्ग के वैशाली नगर से बीजेपी के विधायक हैं रिकेश सेन, जो कि विवादित बयान दे रहे हैं और खुलेआम बयान दे रहे हैं। क्या उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा? बीजेपी के ये विधायक हैं, कह रहे हैं कि देश में कोई धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे तो उसकी गर्दन काट कर रख देना। उन्होंने ये बयान हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित हिंदू युवा मंच के कार्यक्रम में दिया है। मंच से कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए अगर जान देनी पड़े तो दे देना, लेकिन धर्म न बदलना। ऐसा कोई भी हो जो इस देश में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे उसकी गर्दन काट कर रख देना। ये रिकेश सेन, जो जन प्रतिनिधि हैं, जो कानून भी समझते हैं और सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में कानून का राज है, लेकिन वो खुलेआम इस तरह का बयान दे रहे हैं। हिंदू नववर्ष मनाने का नहीं है। जब सुबह आप निकले तो घर में माथे में टीका होना चाहिए जब घर से निकले, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा होना चाहिए। और हमारे अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए अगर जान भी देना पड़े तो जान दे देना, लेकिन धर्म को कभी परिवर्तित होने ना देना। इस देश के अंदर जो धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे उसके गर्दन को काट के रख देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करेंगे। विष्णुदेव साय ने दो चरण जो हुए हैं छत्तीसगढ़ में, इसके मतदान के बाद चारों सीटों पर जीत का दावा कर डाला है कि चारों सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी, चाहे राजनांदगांव, महासमुंद हो, कांकेर हो या फिर बस्तर की सीट हो, जो पहले चरण में जहां मतदान हुआ। बलरामपुर में सीएम साय मौजूद थे, कहा कि बीजेपी के पक्ष में माहौल अच्छा है और सभी 11 सीटों पर जीत का परचम हम लहराएंगे। तारीख को पहला चरण का
चुनाव संपन्न हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ का एक लोकसभा क्षेत्र था बस्तर, उसमें करीब 67% मतदान हुआ और कल दूसरे चरण में 3 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ है, आपका राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का, और कल 74% से ऊपर मतदान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है, चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इस बार पूरी सीट 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और बिलासपुर में कांग्रेस महिला के अध्यक्ष अलका लामा ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ केवल और केवल अन्याय किया। देश में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी है, किसान और महिलाओं को लेकर कोई बात नहीं हो रही, बीजेपी केवल जनता को बरगलाने का काम कर रही, बीजेपी कभी राम तो कभी मुसलमान को लेकर प्रोपोगेंडा करने का काम कर रही। महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई के दाम पेट्रोल और डीजल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी हुई हैं, लेकिन आप फिर भी जबरदस्ती सेंचुरी पार करवा गए जेब से पैसा। हम कर सकते पेट्रोल डीजल के दाम कम, हमारे टाइम पर 50-60 रुपए ही था, 100 रुपया सेंचुरी तो नहीं क्रॉस हुआ था ना। और इधर कवासी लखमा की बात कर लें, दादी की बात कर लें, कांग्रेस की 7 से 8 सीट जीतने के दावे उनकी तरफ से होने लगे, दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, सुनिए जरा। और दूसरे चरण के भी मतदान हो चुके हैं, अब बारी तीसरे चरण की है, लेकिन दोनों जो चरणों में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर क्या लगता है कांग्रेस को, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं, पूर्व मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या लग रहा है बस्तर में अभी बस्तर जो चुनाव चारों चुनाव हुआ है, चारों चुनाव कांग्रेस के पास में गया, चारों। तो आपको क्या लगता है कितने उससे जीतेंगे? अगर वो अभी बोलना ठीक नहीं है कितने वोट में जीतेंगे, जीत एक वोट में भी जीतेंगे, 1 लाख में भी जीतेंगे, जीत तो जीते ना। वह मुर्गा लड़ाई किया हूँ, एक ही मार में एक मुर्गा मार दिया। अच्छा। उसे में पता चलता है कि चुनाव हम जीतेंगे। मुर्गा लड़ाई आपने किया तो एक ही मार में मुर्गा मार दिया मार तो लाल बांधा था मैं, पांडरी को एक साथ मार दिया, आप लोग सब देखे होंगे। तो चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, मतलब चुनाव पूरा मुर्गा लड़ाई की तरह तीनों सीटें चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। तो ये है कवासी लखमा और उनका दावा है कि 7 से 8 सीटें जो है वो कांग्रेस जीत रही है। अपने बस्तर की सीट को लेकर भी कहना है उनका कि वो लीड ले रहे हैं, हालांकि कितने वोटर से वो जीतेंगे, वोट नहीं, उनका कहना है कि वोट कहना बताना अभी ठीक नहीं है, लेकिन उनकी जीत होगी। और जो अभी दूसरे चरण के भी चुनाव हुए हैं उनको लेकर उनका कहना है कि 4 सीटों पर अभी चुनाव है, चारों सीटें हम जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मुमताज लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।